हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे आप और दो वीडियो में देख चुके हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था एमपीपी ओवर बिलिंग एंड करप्शन के नाम से, जिसमें कि मेरे 60 हज़ार के बिल के केस के बारे में मैंने पूरे 3 महीने में जितनी भी दौड़ भाग करी थी, जितनी भी कंप्लेंट करी थी, जितने अधिकारियों से मिला था, उस सब के बारे में मैंने बताया था। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं गुमास्ता नगर एमपीपी जोन के करप्शन के ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको मैं ये बताऊँगा कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो जोन प्रभारी और बाकी जो जितने भी वहाँ पर घोटाले होते हैं, उसमें से एक घोटाले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक विद्युत मंडल का लाइनमैन है, जो कर्मचारी है, जो कि 407 गाड़ी टाटा की यूज़ की जाती है एमपीबी में, लाइनमैनों को दी जाती है, जो उसमें कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें खुद बंदा जो है कंप्लेन कर रहा है वहाँ के गुमास्ता नगर जोन के प्रभारी मिस्टर राकेश उपाध्याय से, वो उनको ये बोल रहा है कि आपने नई गाड़ी का टेंडर पास कराया है और हमें पुरानी गाड़ी दी है। आप सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए, ये वहीं पर एमपीबी ऑफिस में रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप उस लाइनमैन का गुस्सा देख सकते हैं, वो किस प्रकार गाली गलौज कर रहा है राकेश उपाध्याय, जो कि गुमास्ता नगर जोन के प्रभारी हैं। आप खुद सुनिए इस ऑडियो क्लिप को, इसके बाद मैं आपको और आगे का बताता हूँ इसके अंदर के और वहाँ पर किस तरह के घोटाले हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए, और इसमें जो बंदा जब वो बोल रहा है जिसमें कि उन्होंने नई गाड़ी का टेंडर पास करा करके पुरानी गाड़ी निकाली है, उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। कल डबल मिला ना, डबल ड्यूटी होगी, ट्रिपल 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 मिला है, 9,000 रुपये चाहिए मेरे को। अभी अभी ये काम ले लो, अभी नीचे से मैं दे रहा हूँ। अधिकारी मौजूद नहीं था, जनता और एक तो गाड़ी भी ऐसी लगाई सर आपने, कौन से परेशान हो गए हम रात को, वो ढूंढना पटक क्या है बोले में। अरे 407 यार, नया का टेंडर भरते मारते शो धो लगाते पुरानी गाड़ी, गाड़ी नहीं है, गाली वाली मत दो यहाँ। इधर आओ, मैं बात बता दूँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर यहाँ काम कर रहे सामने आप। अरे ऑफिस है कि क्या है, मजाक है साला, मतलब तुमको कुछ बोलने का इसका मतलब कुछ भी बोलोगे तुम। गाड़ी है तो नहीं है तो गाड़ी तो समस्या है, तरीके से बताओ। काम करने में नहीं थकते हम, धक्का लगाने में थक गए कल। अरे तो जो समस्या है तरीके से बताओ ना भाई। वो पटक क्या है, आई सुन मैं घर का में चढ़ी गाड़ी, वो मालिक आ गया देखे चला गया। हाँ ठीक है, पटक अपना सामान पड़ा उसमें, केबल वेबल तो चुरा गया। तो फिर ये गाड़ी आ गई, तो आपने देखा इस ऑडियो क्लिप में किस तरह से एक लाइनमैन जिसका कि नाम है सुरेश कश्यप, जो कि वहाँ के गुमास्ता नगर जोन के प्रभारी मिस्टर राकेश उपाध्याय से बोल रहे हैं, गुस्सा होकर के गाली गलौज करते हुए बोल रहे हैं कि आपने नई गाड़ी का टेंडर पास किया है और हमें एक पुरानी गाड़ी दी है जिसको हम धक्का लगाते लगाते थक गए। जितनी मेहनत बोले हम काम करने में नहीं थकते, उससे ज़्यादा आपकी गाड़ी को चलाने और धक्का मारने में हम थकते हैं। तो मैं लोकायुक्त से ये अपील करूँगा कि आप यहाँ पर जांच करें, इस तरह के और भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वहाँ पर। आपका मैं ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि जैसे मेरा बिल का प्रकरण जब वहाँ पर आया, मैं वहाँ पर जितने मैंने राउंड काटे तब मेरे सामने से कितने वाक्य हुए जो ये आपस में बात करते रहते थे कि किस तरह से कहाँ पर कितना पैसा मिला है, किससे आपको कितना लेना है। इसमें और भी बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ये तो जो मुझे खुद पता है तो ये मैंने मेरे भाई के साथ मिलकर के रिकॉर्डिंग करी। इसके अंदर आप इसको ध्यान से बिल्कुल सुनिए, एक बार फिर से सुनिएगा इसको, इसके अंदर किस तरह से चल रहे हैं। लोकायुक्त से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले गुमास्ता नगर जोन के जितने भी कर्मचारी हैं उनको उनकी जांच कीजिए, उनके आय से अधिक संपत्ति निकलेगी, इन्होंने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कीजिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्हें भ्रष्टाचार किया हुआ है। जैसे कि ये 407 गाड़ी यूज़ करते हैं टाटा की 407 गाड़ी जो लोडिंग रहती है, जो इन लाइनमैन को दी हुई होती है, लगभग ये 10-12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के समथिंग आती है। अब ये लोग नया टेंडर पास करवा करके वहाँ से पेमेंट निकाल करके
ये पुरानी गाड़ी वहाँ पर अटैच करते हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे चल रहा है, जबकि जोन अधिकारी खुद इसमें लिप्त है। ये जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी है, ये वहीं के ऑफिस में ऊपर के केबिन में उनमें रिकॉर्ड करी है, हमने ये मोबाइल से रिकॉर्ड करी है। ये पूरी लगभग 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। अगर किसी को बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये एडिटेड है या फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसके लिए मैं पूरी ऑडियो क्लिप प्रोवाइड करूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी को भी ऐसा लगता है फेक वीडियो है, बिल्कुल मुझे बोले, मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, पूरा ऑडियो क्लिप अपलोड करूंगा इसका। और अभी और ऐसे में आगे और घोटालों के खुलासे करूंगा। सबसे पहले मैं लोकायुक्त से अपील करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ आप इस तरफ गुमास्ता नगर जोन पर ध्यान दीजिए। यहाँ के और भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, ये तो जो मुझे जितना पता है ये हमारे एरिए के हैं, जो हमारी गली में घूमते हैं, और हमारे जो जोन के हम अभी जितनी बार हम वहाँ पर गए थे तब मुझे ये पता चला। ऐसे और कितनी जगह है जहाँ पर इससे भी बड़े बड़े घोटाले चल रहे होंगे। अब इतना ज़्यादा तो हमें एमपीबी के बारे में पता नहीं है, पर मैंने जितनी बार वहाँ पर गया हूँ उसमें मेरे सामने हर बार कुछ ना कुछ नया वहाँ पर ऐसे घोटाले के बारे में मुझे पता चला है। और इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी तरह का। जैसे मुझे इतनी आसानी से इनके बारे में पता चला, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बड़ी आसानी से वहाँ पर से लेकर के आया। भी मैं आपसे अपील करूँगा लोकायुक्त से कि बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। और इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं हर चीज़ बिल्कुल एविडेंस बिल्कुल ओरिजिनल यूज़ करूँगा। आप कहीं भी इस चीज़ से मुझसे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रूफ मांगेंगे, मैं आपको बिल्कुल इसका ओरिजिनल प्रूफ दूंगा। मैं ऐसे आगे और खुलासे करते रहूँगा। थैंक यू।